हेलो, वेलकम टू तनीषा ब्लॉग। अभी मैं बना रही हूँ ये पालक का और ये खीरा का, दोनों मिक्स करके जूस। और ये पालक के जूस में देखिए, मैं पालक के पत्ते को अच्छे से जड़ तोड़ के चुन के धो ली हूँ साफ करके। और यहाँ पे खीरा को भी मैं धो के अच्छे से कटिंग कर ली हूँ, देख सकते हैं। तो अब मैं इसको मिक्सी जार में डाल के इसको पीसूंगी। तो देखिए, मैं इसको मिक्सी जार में डाल दी हूँ, अब मैं इसको पीसूंगी बंद करके। तो देखिए, ये अच्छे से पिसा गया है, देख सकते हैं। ऐसे ही मैं ये सारी पालक को पीस लूंगी। और फिर मैं इसको एक बॉल में यहाँ पे मैं कॉटन का क्लॉथ डाल के रखी हूँ, इसमें मैं इस सबको डाल दूंगी ऐसे ही पीस पीस के। इस कॉटन क्लॉथ में अच्छे से गाड़ने में बनता है, इसको छानने में अच्छे से छना जाता है। तो अब मैं इस सारी पालक को अब पीस लेती हूँ। तो देखिए, मैं सारा पालक को पीस के रख ली हूँ। और अब मैं यहाँ पे पीसूंगी ये खीरा को, इसको भी मैं मिक्सी में डाल दे रही हूँ। तो देखिए, सारा खीरा मैं इसमें डाल दी हूँ मिक्सी में। और अब मैं डालूंगी इसमें ये अदरक छील के। अगर आपको अदरक पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको छील के इसमें डालूंगी। तो देखिए, अब मैं इसमें अदरक भी डाल दी हूँ। अब इसको बंद करके मैं पीस लेती हूँ। तो अब मैं इसको खोल के चेक करती हूँ। तो देखिए, ये भी अच्छे से पिसा गया है। अब मैं इस पालक प्यूरी में इसको भी मिक्स कर दूंगी, इसको भी इसी में डाल दूंगी ऐसे। और इस मिक्सी जार में थोड़ी सी लगी रह गई प्यूरी, तो इसमें मैं थोड़ी सी पानी डाल के एक बार और चला के इसको भी इसमें डाल दूंगी फिर से। अब दोनों को मैं मिक्स कर दी हूँ। अब इसको मैं अच्छे से छान लेती हूँ। तो देखिए, अब मैं इसको अच्छे से छान ली हूँ, देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। और अब मैं इसमें डालूंगी लेमन। यहाँ पे मैं 4 पीस लेमन लेके इसको कट करके रख ली हूँ। अब मैं इसको इसमें डाल के इसमें गाड़ दूंगी। इसी तरह से मैं सारे लेमन को इसमें निचोड़ देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं इसमें सारे लेमन को निचोड़ दी, देख सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ ऐसे। और अब मैं इसमें डालूंगी काला नमक, तो अब वो भी डाल दे रही हूँ। तो ये रहा काला नमक, और मैं अब इसमें डालूंगी ये काला नमक 1 चम्मच। और इसको भी अब अच्छे से फेंट लूंगी, मिक्स कर दूंगी अच्छे से। नमक गल के इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से, ऐसे ऐसे मैं फेंट दूंगी इसको, कि नमक जल्दी से गल जाए। तो देखिए, मैं इसको अच्छे से फेंट दी हूँ, सबको मिक्स कर दी हूँ अच्छे से। तो अब ये जूस बन के रेडी है, और ये पीने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही फायदे की चीज़ है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।